ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जिसने आज तक किसी लड़की की केनी छेनी नहीं बनाई और फिर वो कैसे अपने इस महान कार्य को अंजाम देता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। वी की शुरुआत में यूनी को देखते हैं। तभी एक रिमोट कंट्रोल फिंगर आकर यूनी के मौत के कुएं में घुस जाती है, जिसे यूनी का टीचर हाइजू कंट्रोल कर रहा था। दरअसल यूनी और हाइजू दोनों साथ रहते हैं, पर अभी तक इनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाया है। हाइजू अभी तक वर्जिन है, इसीलिए वो यूनी को पेलने की कोशिश करता रहता है। यूनी उसके साथ रहती है, पर उसके साथ टपा टप करने का उसका कोई विचार नहीं था। अगले दिन इन दोनों को स्कूल में जाते हुए देखते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल में किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाइजू बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर उसकी नज़र यूनी पर ही टिकी रहती है, जो उसके फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे देखने पर हाइजू पूछ लेता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, जरा हमें भी तो बताओ। यूनी उसे बताती है कि उसकी पैंट की चेन खुली हुई है और वो उसकी ही बात कर रहे हैं। ये सुनकर पूरी क्लास हाइजू पर हंसने लगती है। फिर यहाँ से घर जाते हुए हाइजू बाहर यूनी का वेट करने लगता है, पर तभी वो देखता है कि यूनी उसके साथ जाने की बजाय उसके उसी फ्रेंड के साथ उसके रूम पर चली जाती है। हाइजू उसे कॉल करता रहता है, पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। ये लोग रूम में रोमांटिक होकर गपागप करने ही वाले थे। तभी यूनी हाइजू का मैसेज देखती है, जिसमें लिखा था कि उसने उसे अपने दोस्त के साथ कांड करते हुए देख लिया है और अब वो यहाँ नहीं रह सकती है, अपना सामान लेकर चली जाओ। ये पढ़ने के बाद यूनी टपा टप किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर यूनी हाइजू के रूम पर आती है और वहाँ रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर बेचारा हाइजू पिघल जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर देता है। फिर अगले दिन जब हाइजू अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो तभी सनाए नाम की एक सुंदर सी लड़की इनके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। सभी टीचर सनाए की खूबसूरती को देखकर बावले हो जाते हैं। हाइजू के मुंह से भी लार टपक रही थी, पर आज स्कूल में इंटरव्यू हाइजू ही लेने वाला था, तो वो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ कर उसे सेलेक्ट कर लेता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम हाइजू और यूनी को घर पर देखते हैं। यूनी छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी, तो उसे देखकर हाइजू का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और उसे पेलने की सोचता है, पर यूनी कुछ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो हाइजू के सामान को लात मार कर दूर फेंक देती है। इसलिए बेचारे हाइजू को ऐसे ही सोना पड़ता है और अगले दिन वो स्कूल में जाने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहता है। और इसी बीच सनाए उसके पास आती है, जो उसके साथ टपा टप करना चाहती थी। हाइजू पहले से ही रेडी था, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद हाइजू को होश आता है, तब वो देखता है कि मैं तो सपना देख रहा था, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन हाइजू सनाए के साथ बैठा हुआ था, तो सनाए बताती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसलिए वो हाइजू को उसके कुछ अच्छे फोटोज निकालने को बोलती है। ये सुनकर हाइजू उसे अपने घर लाकर उसके कई सारे फोटोज निकालता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाकर काफी सारी वाइन पीते हैं और गिरते पड़ते हुए घर आते हैं। घर आने के बाद हाइजू सनाए के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर सनाए किसी तरह उसे रोक देती है। तो हाइजू बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, उसने आज तक किसी लड़की की केनी छेनी नहीं बनाई, प्लीज वो उसकी हेल्प करे। पर सनाए को इस पर यकीन नहीं होता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद सनाए हाइजू के घर आती है, तो यहाँ बातों ही बातों में हाइजू को पता चलता है कि सनाए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, पर वहाँ उसके कपड़ों पर दाग लग गया। ये जानने के बाद हाइजू के अंदर खलबली मच जाती है और वो खुद उसके कपड़ों को धोने के लिए बोलता है। ये सुनकर पहले तो सनाए सोचने लगती है, पर फिर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हाइजू कपड़े धोने लगता है और सनाए नहाने लगती है, लेकिन हाइजू के मन में सनाए का ख्याल चल रहा था, तो वो सनाए को नहाते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब ये दोनों साथ बैठे होते हैं, तो हाइजू उसे फिर से अपने साथ एक बार टपा टप करने के लिए बोलता है। इस बार सनाए मान जाती है और ये लोग गपागप करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ यूनी टपक जाती है, पर दरवाजा लॉक होता है, तो वो अंदर नहीं घुस पाती। वही पलंग तोड़ की आवाज बाहर तक जा रही थी, तो यूनी को कुछ समझ नहीं आता, ये सब क्या चल रहा है, हाइजू जैसे पागल को कोई लड़की कैसे मिल सकती है। तभी यूनी घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है, तो अंधेरा होने की वजह से हाइजू बाहर आकर स्विच सही करता है। लेकिन इसी बीच मौका पाकर यूनी भी अंदर घुस जाती है और जब हाइजू उसे देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं।
वो यूनी को उसके और सिनाई के रिलेशन के बारे में चुप रहने को बोलता है, तो यूनी भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो तो हाइजू को सिर्फ एक फ्रेंड समझती है। लेकिन अब हाइजू सिनाई के बारे में ही बात करता रहता है तो यूनी को उससे जलन होने लगती है, क्योंकि अब हाइजू ने पहले की तरह उसके आगे पीछे डोलना बंद कर दिया था। वहीं हाइजू जोश में आकर सिनाई के साथ जिम ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र सिर्फ सिनाई पर ही टिकी रहती थी और उसे जब भी मौका मिलता तो वो सिनाई को बाथरूम में पकड़ लेता और उसके साथ टपा टप कर लेता। फिर एक दिन दो आदमी सिनाई के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिनमें वो हाइजू के साथ टपा टप कर रही थी। यहाँ वो बोलते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, बस वो उसकी हवस की प्यास बुझा दे वरना वो पूरे स्कूल में उसकी बदनामी कर देंगे। सिनाई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वह यस कर देती है। वहीं दूसरी ओर हाइजू का फ्रेंड होंग जो सिनाई को पसंद करता है, लेकिन सिनाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसी ने उसे फंसाने के लिए उन दोनों को उसके पीछे लगाया था और वो लोग खुद की प्यास की नहीं बल्कि होंग की प्यास बुझाने के बात कर रहे थे। फिर अगले दिन होंग हाइजू को बोलता है कि वह उसके लिए एक जगह से एक लड़की को पिक करके लाए। हाइजू को पता नहीं था कि उसने किसको पिक करने को बोला है, लेकिन जब वह लोकेशन पर पहुंचता है तो सिनाई को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल सिनाई का भी था, लेकिन कुछ देर बाद सिनाई होंग के घर पहुंच जाती है तो वह टपा टप करने से पहले साथ में नहाने चले जाते हैं और यहाँ मस्ती करते हुए सिनाई होंग की आंखों को बांध कर बाथ टब से बाहर निकल जाती है और उसकी जगह यूनी आकर होंग के साथ नहाने लगती है। वह दोनों लोग जिन्हें होंग ने सिनाई के फोटोज लेने के लिए हायर किया था, अब वह हाइजू के कहने पर होंग के फोटोज लेने लगते हैं। ये देखकर होंग हैरान हो जाता है। अब उसे सिनाई का पीछा छोड़ना ही पड़ता है, वरना अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाह से वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। इसके बाद हाइजू और सिनाई एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वह ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।